अगर इंडिया को यार पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई भी जिता सकता है ना, तो भाई वो यार ऊपर वाले हैं यार। जिस तरह भाई डे वन में भाई यार लगातार बारिश हुआ था ना, डे वन में भाई यार स्टंप था ना यार, उसी तरह का से यार डे फाइव में भी कल के दिन यार बारिश रहे तो भाई यार इंडिया यहाँ से मैच जीत जाएगा। सही बात है भाइयों बहनों और क्रिकेट लवर्स, यार दुआ करो कि यार कल के दिन भाई यार बारिश ही होता है, लगातार बारिश हो रहे हैं भाई, तो यार इंडिया यहां से इजीली मैच जीत जाएगा। नहीं तो यार इंडिया के जीतने का चांस 99.9% नहीं है यार। 106 रन भाई कौन सी बड़ी बात है न्यूजीलैंड के लिए यार, एक ही सेशन में भाई यार वो चेस कर ले जाएंगे। दिन की शुरुआत तो हम लोग के लिए भाई बहुत बेहतरीन हुई थी सरफराज खान के सेंचुरी के साथ, लेकिन दिन का अंत होते होते यार हमारी इंडियन टीम के भाई लौड़े लग गए। जिस तरह सूरज उगता है ना भाई, उस तरह हमारी इंडियन टीम भाई बहुत मस्त दिन में उगा था, लेकिन यार जिस तरह सूरज ढलता है यार, उसी तरह हमारा इंडियन टीम भाई ढल गया यार शाम होते होते यार। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, लेकिन कुछ भी कहो भाई हमारी टीम ने भाई फाइट बैक बहुत मजबूत दिया है यार। पहले इनिंग में यार 46 रन पे आउट होने के बाद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि यार 460 प्लस रन यार कोई टीम बना सकता है, क्योंकि यार कोई होप ही नहीं बचता भाई। 406 रन न्यूजीलैंड ने खड़े कर दिए थे, जहां रचिन रविंद्र और टिम साउथी ने भाई जले पे नमक छिड़का था, लेकिन यार वहां से हमारी टीम ने कमबैक किया और जैसे एक समय लग रहा था कि यार इंडिया यहां से भी मैच जीत जाएगा, लेकिन नहीं रे बाबा, हमारे मिडिल ऑर्डर यार एकदम घटिया से भी घटिया में फ्लॉप हो गए भाई। जहां पे यार केएल राहुल को जरूरत है वहां पे भाई केएल राहुल यार हाथ पीछे कर लेते हैं। नया बॉल तो भाई कोई फेस ही नहीं कर सकता भाई। पहले इनिंग में भी यार न्यूजीलैंड ने नए बॉल से इंडियन बैट्समैन के भाई खटिया खड़ी कर दी थी। जब यार दूसरा इनिंग यार इंडियन बैट्समैन का शुरू हुआ था तो उसमें भी जब नया बॉल यार न्यूजीलैंड को मिला ना, तो भाई खटिया खड़ी कर दिए यार। पहले सरफराज खान को 150 रन पे आउट किया, फिर उसके बाद ऋषभ पंत को आउट किया, फिर उसके बाद केएल राहुल को आउट किया, फिर उसके बाद जड्डू पाजी को आउट किया, फिर उसके बाद अश्विन को। भाई अश्विन का विकेट भाई सबसे ज्यादा खलेगा यार। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। कल भी जिस तरह यार विराट कोहली रोहित शर्मा के विकेट पे यार दिल टूटा था ना यार, उसी तरह यार आज भी यार दिल टूट गया यार ऋषभ पंत के सेंचुरी पे। भाई मात्र एक रन से बंदा यार सेंचुरी मिस हो गया यार। फुल इंटरटेन आज करा रहा था ऋषभ पंत चाहे सरफराज खान भाई, लेकिन यार किसकी यार भाई नजर लग गया कि ऋषभ पंत यार भाई डिफेंस करने गए यार, बॉल यार लग गया स्टंप पे भाई। जिस तरह रोहित शर्मा आउट हुए ना, तो एकदम सेम टू सेम यार उस तरह ऋषभ पंत आउट हुए। बस फर्क सिर्फ इतना था कि रोहित शर्मा के सामने भाई स्पिनर था और ऋषभ पंत के सामने भाई फास्ट बॉलर था यार, लेकिन दोनों ने पार्टनरशिप भाई गजब की जोड़ी यार। इंडिया को जहां जहां जरूरत पड़ता है ना भाई, ऋषभ पंत यार खड़े हो जाते कि हाँ हम हैं तैयार, कोई भी बॉलर मादर चोत को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, किसको नहीं पिला यार। टीम साउथ 87 पे ऋषभ पंत थे तो यार 107 मीटर का छक्का मारा भाई यार। ग्लेन फिलिप ऐसे देखा ऐसे कर रहा है कि बहन चोत इतना लंबा छक्का कभी उसने अपने करियर में नहीं मारा होगा, और ऋषभ पंत ने टेस्ट मैच में मार दिया यार। जलवा है हमारा। अगर ये दो बंदे यार लास्ट तक टिके रहते तो शायद इंडिया के पास अभी लीड रहता 250 का, और न्यूजीलैंड की औकात नहीं थी कि यार 250 रन चाहे 200 रन इंडिया के सामने चेस कर ले जाएगा। लेकिन यार ये हमारे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है ना भाई, महाचूतियां हैं भाई। सबसे ज्यादा तो केएल राहुल, ना इनको फील्डिंग करने आता है, ना इनको बैटिंग करने आता है, ना इनको कुछ करने नहीं आता, बस आएंगे 6 बॉल पहले मेडन खाएंगे उसके बाद चलते बनेंगे। किसके लिए काम करते हो तुम बताओ? सर मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। सरफराज खान, सरफराज खान भाई इस बंदे के पास इतना मस्त टैलेंट है कि यार शुभम गिल भाई यार ऐसे मुंह फार के बस देख रहा होगा भाई। सरफराज खान भाई यार क्या अपने टैलेंट का इस बंदे ने यूज किया है भाई, बहुत मस्त इनिंग आज यार सरफराज खान ने किया है यार। यार हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि यार रोहित शर्मा का सेंचुरी आएगा, विराट कोहली का सेंचुरी आएगा, लेकिन ये दोनों आउट हो गए, लेकिन सरफराज खान और ऋषभ पंत ने भाई बहुत मस्त ब्रिलियंट इनिंग की भाई। न्यूजीलैंड का यार भाई सपना था कि यार एक विकेट भी ले सके पुराने बॉल से, भाई विकेट नहीं ले पा रहे थे, बस ऐसे देख रहे थे कि यार एक विकेट मिल जाए भाई, चाहे यार पहले सेशन में हो चाहे दूसरे सेशन में हो भाई, यार विकेट ही नहीं गिर पा रहा था भाई। ये दोनों बैट्समैन भाई पहाड़ की तरह खड़े हो गए थे भाई यार पिच पे कि आ बेटा विकेट लेके बता तो बताएंगे तुमको यार। ठोक भी रहे थे भाई, हर ओवर में 5-5 रन पड़ रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड विकेट नहीं उखाड़ पा रहा था। नया बॉल आया, सरफराज खान आउट हुए, उसके बाद सब चलते बने। ये तो मादरचोद अंपायर पॉल राइफर है ना, जब यार न्यूजीलैंड के बैटिंग रहेगा तो यार अंपायर कॉल पे भाई ये आउट नहीं देगा, और जब इंडिया के बैटिंग रहेगा तो ये सीधा ऐसे उंगली खड़ा कर देता कि हमको इंडियन टीम पसंद नहीं है, जाओ बेटा तुम अंदर। और रविचंद्र अश्विन का विकेट जो गिरा है ना भाई, अगर ये पॉल राइफर अंपायर मिल जाएगा ना सामने, भाई भून दूंगा इसको यार चूल्हे में यार। न्यूजीलैंड की बैटिंग रहेगी तो उस समय सोता रहेगा, जब इंडिया की बैटिंग आएगी तो भाई यार जग के यार जैसे लगता है नींद में उठ के भाई आउट दे देगा ये। मार दी सी ओ दे नाम ना।
हमको यार एक चीज में अपनी इंडियन टीम का भी बहुत मस्त लगता है यार, पहले यार इनिंग में यार 46 रन पे बिखर गए थे पूरी टीम इंडिया यार, पूरा का होप गिर गया था भाई, पूरा यार वर्ल्ड में भाई इंडियन टीम का ट्रोलिंग हो रहा था, लेकिन जब कमबैक किया ना भाई बहुत मस्त कमबैक किया यार, हिस्ट्री में भाई ये कमबैक लिखा जाएगा यार। बात तो सही है। आज भी साला चिन्ना स्वामी का स्टेडियम यार जैसे लग रहा है लॉर्ड्स का स्टेडियम बन गया, ऑस्ट्रेलिया का भाई गाबा बन गया भाई, मेलबर्न बन गया यार, समझ नहीं आता कि यार हम अपने स्टेडियम पे बैटिंग कर रहे हैं कि यार न्यूजीलैंड के स्टेडियम पे बैटिंग कर रहे हैं भाई। चिन्ना स्वामी के फैंस भाई आज फुल इंटरटेन किए, लेकिन शाम होते होते भाई फिर से मुंह यार ऐसे करके गए जैसे कल यार विराट कोहली के विकेट पे गए हैं भाई, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ऋषभ पंत जानते हैं दोस्तों 7 बार 90 और 100 के बीच में आउट हुए 7 दफा यार, और ये 8वीं दफा है भाई, लगता है 90 के बाद इनका लक ही नहीं रहता भाई, ऐसे ही भाई अंधा फायर करते, कब आउट हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जब जब ये फायर करते ना तो भाई फुल इंटरटेन लगता है दोस्तों। मैं गुंडा हूँ। न्यूजीलैंड को समझ ही नहीं रहा था कि यार विकेट कैसे ले यार रन कैसे बचाए, लेकिन नए बॉल आते भाई न्यूजीलैंड ने भाई हमारे इंडियन टीम के बैट्समैन के भाई नाक में दम कर दिया भाई, हल्का ही स्विंग करा रहे थे लेकिन उसमें केएल राहुल चलते बने, जड्डू चलते बने और अश्विन चलते बने, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खैर गाइस आप कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का डे 4 वाला मैच कैसा लगा दोस्तों, और क्या लगता है भाई यार इंडिया पहला टेस्ट मैच जीतेगा कि नहीं जीतेगा, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा यार।